अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुंबई पुलिस ने उनके लिए पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A के तहत केस दर्ज किया गया है। यह धारा राजद्रोह के लिए लगाई जाती है। पेशी से पहले नवनीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत एक और एफआईआर दर्ज की गई। उन पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगाया गया। शनिवार को उनके खिलाफ अपने बयानों से धर्म जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया था। बता दें कि मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर जारी घमासान के बीच सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। आज उन्हें बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने बताया कि 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी। शनिवार को दिन भर बवाल के बाद उठे कार्यवाही पर सवाल, पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा को धारा 153A यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया और दोनों को खार पुलिस स्टेशन ले गई। इस कार्यवाही को लेकर कई सवाल उठने लगे। हालांकि राणा दंपति को देर रात खार पुलिस स्टेशन से सांता क्रूज पुलिस स्टेशन भेज दिया गया था। यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट शरदराबाद की मशहूर मारूफ यूसुफी लस्सी आपके दिलों को ठंडक और गर्मी में सुकून और राहत के लिए आज ही तशरीफ लाए। साल के 12 महीने दस्तियाब यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट न्यू मल्लेपल्ली नोबल टाकिस क्रॉस रोड हैदराबाद।